उठते हैं और चंद किरदार जो है वो बहुत बुरी तरह जो है वो देखने को मिले। इमरान खान को हमेशा से उसकी एक जो फासिस्ट सोच है, मार दो, जलाओ, घिराओ करो, सब कुछ बंद कर दो, आग लगा दो, ये जो उसका एक नैरेटिव है, उसकी पार्टी का नैरेटिव है, ये पाकिस्तान को आज किन हालात में ले आया है कि आज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान के हालात ख़राब है, पाकिस्तान की सियासत के हालात ख़राब है, लेकिन उसका लाशें इकट्ठी करने का शौक़ ख़त्म नहीं होता। अब ये जो ज़िले शाह का वाक़या है, इसके ऊपर सबसे पहले देखिए, गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, गलती का मार्जिन हमेशा रखते हैं, रखना चाहिए। इमरान खान ने जिस दिन ज़िले शाह का जो है वो ये हादसा हुआ, उस दिन रात को फौरी तौर पर उसने एक ट्वीट की और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने एक क्लिप जो है वो ट्वीट किया। उस क्लिप के अंदर जो है वो ज़िले शाह जो है वो बैठे हुए दिखाए जा रहे हैं पुलिस वैन के अंदर, और जो है वो क्लिप बना। उस क्लिप को उन्होंने, और जिनको मैं टाइगर सहाफ़ी कहती हूँ माजरत के साथ, जो सहाफ़त तो नहीं कर रहे, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा टो करते हैं और उनकी ज़बान बोलते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर तैयार होता है कि कौन सा नैरेटिव बेचना है, उस नैरेटिव को आके लिखते, तो वो तमाम लोगों ने मिलके एक कैंपेन की और कहा कि जी ये फुटेज उस वक्त की है कि जब ज़िले जो है ज़िले शाह मौजूद थे पुलिस वैन के अंदर। उसके बाद जब वो पूरा फुटेज, मैंने उसके बाद उसको ट्वीट भी किया, वो फुटेज आप देख चुके हैं यकीनन, उसके बाद जो पूरा फुटेज सामने आया वो ये था, जो एडिट किया गया था, जो जेल भरो तहरीक का क्लिप था, जिसके अंदर वो तमाम वर्कर्स जो है वो आगे वो कह रहा है कि जेल भरो तहरीक हम भर रहे हैं और हम इमरान खान के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अफसोस की बात यह है कि वो ज़िले शाह, उसके अपने क्लिप मौजूद हैं कि वो एक सादा, बहुत सादा, एक मैं तो नहीं कहती कि वो नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल आदमी था, सादा आदमी था और वो मोहब्बत करता था इमरान खान से। उसका वो क्लिप देखकर मेरे, मुझे तकलीफ हुई एज ए सियासी वर्कर कि इमरान खान को उसके मरने के बाद उसकी लाश पे सियासत करने का टाइम मिल गया, जब वो बाहर 1.5 महीने से बैठा था और इमरान खान की सिर्फ एक झलक देखने का वो मुतमन्नी था और इमरान खान से सिर्फ मिलना चाहता था। उस वक्त इमरान खान को याद नहीं आया, उस वक्त इमरान खान ने नहीं देखा, उसने अपने जो वर्कर, ख्वातीन, बच्चे, जिनको उसने ढाल के तौर पर वो इस्तेमाल करता है, ये वो गीदड़ लीडर है पाकिस्तान की सियासत का जो कारकुनों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, और ज़िले शाह भी उसी तरह की एक ढाल था। और वो ढाल जो है वो बेचारी रुल रही थी बाहर जमान पार्क के अंदर। एक और भी क्लिप आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि कोई झगड़ा भी हुआ जो है वो ज़िले शाह का मुख्तलिफ कारकुनों के साथ, उसकी शायद सिर के ऊपर जो है वो कुर्सी भी मारी गई। लेकिन ये वाकया जो है ये बड़ा सिंपल वाकया था, इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की इमरान खान ने। और जो मैंने कहा गलती का मार्जिन होता है, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो सकता है कि मुझे जो बताया गया हो, मुझे जो क्लिप भेजा गया हो वो जो है वो मुझे अपने तौर पर लगा हो, दुरुस्त हो। लेकिन इमरान खान को जब पता चल गया, आज तक इमरान खान को ये बात पता चल गई कि वो क्लिप जो है वो झूठ था, वो क्लिप जेल भरो तहरीक का था, वो ट्वीट उसकी आज भी एग्जिस्ट करती है, वो ट्वीट उसकी आज भी मौजूद है जिसके अंदर वो हुकूमत को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहा है। और राणा सनाउल्ला साहब, तो आपको पता मोहब्बत, राणा सनाउल्ला को इमरान खान से बहुत मोहब्बत है और इमरान खान को राणा सनाउल्ला से बहुत मोहब्बत है, और मोहब्बत का इजहार जो है वो इमरान खान तो करते रहते हैं। राणा साहब की भी बारी नहीं आई, इंशाल्लाह उम्मीद है बहुत जल्द राणा सनाउल्ला को भी मोहब्बत जो है वो शो करने का टाइम मिलेगा इमरान खान साहब से। लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव बनाया, दोबारा से एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, सियासत के अंदर ये जो लाशों पे सियासत करने की एक फिनोमेना है, इसको फिर वो आगे लेके गए। और अब जो हकायक सामने आए हैं वो बहुत लम्हा फिक्रिया होने चाहिए, अगर जो लोग दिमाग और शऊर रखते हैं उनके लिए। जो फुटेज सामने आया, जो पुलिस ने तहकीकात की, जिसके अंदर एक काला डाला सामने आया, और काले डाले की भी बड़ी डेफिनेशन हुई हमारे मुल्क में, आपको पता काले डाले की भी एक डेफिनेशन है, लेकिन वो काला डाला वो नहीं था, वो काला डाला इमरान खान का डाला था जो उसको ज़िले शाह को जो है वो उसके अंदर लेके आए। जब पुलिस ने वो ट्रेस किया तो ट्रेस करने के बाद जो आज मालूमात सामने आई हैं उसके मुताबिक, अब तो मेरा ख्याल है अब तक वो क्लिप्स पहुंच गए होंगे कि वो तमाम लोग जो 8 मार्च को जमान पार्क के बाहर से गिरफ्तार हुए, उन तमाम के बयानात पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि वो सब जो है जमान पार्क के बाहर से गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद कोई जो है वो कैंट के करीब जो है
वो पुलिस को उन्होंने वैन के अंदर कहा कि उनको जो है गाड़ी रोकी जाए, उनको बाथरूम के लिए उतरना है, और वो बाथरूम के लिए जो है वो उतरे सब लोग और जिले शाह जो है वो भागा। जाहिर है पुलिस की कस्टडी, उसने कहा दरवाज़ा खुल गया मैं भागूं, और वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ। उसका एक रोड एक्सीडेंट हुआ, एक गाड़ी वही काला डाला जिसने जो उसको सर्विसेज अस्पताल लेके आया, वो काले डाले के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। उस ड्राइवर का भी बयान जो है वो पुलिस ने रिकॉर्ड कर दिया है, और मेरे ख्याल है आपसे मीडिया से वो शेयर कर भी दिया गया है, कि जिसके अंदर वो ड्राइवर बता रहा है कि वो जब गाड़ी से हिट हुआ तो राजा शकील नामी पीटीआई का एक वर्कर है, एक उनका सुना है कि कोई अहम कारकुन है जिसका यास्मीन राशिद के साथ एक ताल्लुक है, और वो यास्मीन राशिद को रिपोर्ट कर रहा था। जब ड्राइवर ने राजा शकील को बताया कि हमसे ये एक्सीडेंट हो गया है, और वो उसको पहले सीएमएच लेके गए, सीएमएच में जो है उसको लगा कि बहुत रश है, और जो है वो वहाँ से घबरा के उसको सर्विसेज अस्पताल लेके गए, पता चला कि वो नहीं रहे, तो उसने राजा शकील को बताया कि जी मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया है, बताएं क्या करें। राजा शकील ने यास्मीन राशिद को फ़ोन किया, और यास्मीन राशिद ने फिर पूरी स्टोरी प्लांट की। मुझे अफसोस और तकलीफ से कहना पड़ता है कि यास्मीन राशिद औरतों की वो इमरान खान है कि जिसको ना अपने सफ़ेद बालों का कोई लिहाज है, ना उसको अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड का वो लिहाज है, और वो रंगी गई हैं इमरान खान के रंग में, पूरी तरह रंगी गई हैं, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अभी वो जो ऑडियो आया था एक डॉक्टर नौशीन हामिद के साथ, जो उनकी अपनी MNA है, जो कह रही हैं कि जमान पार्क के अंदर ख़वातीन जो अपने लीडर की हिफाजत करने आती हैं, जी ख़वातीन, नवा पाकिस्तान है ना, नई तब्दीली है, कि ख़वातीन जो है वो अपने हट्टे कट्टे लीडर की हिफाजत करने के लिए आती हैं, और वो कह रही हैं कि उन ख़वातीन को देर तक रात को नहीं बैठना चाहिए, और यास्मीन राशिद क्या कह रही हैं, बैठे रहने दो, रौनक मेला लगा हुआ है, रौनक मेला लगा रहना चाहिए। वो औरतों की इज्जतें भी इस्तेमाल करती रही है, और फिर इस लाश को भी इस्तेमाल करने की पूरी प्लानिंग यास्मीन राशिद ने की। इसने इमरान खान को जाके बताया, जो रिकॉर्ड आजी साहब ने बताया है कि उनके पास उस कॉल का रिकॉर्ड मौजूद है, कि यास्मीन राशिद को बताया जा चुका था कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उस रोड एक्सीडेंट को, उस को कत्ल का रंग देना, उसको रंग देकर पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसको और पंजाब की निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने का एक प्रोग्राम बनाया जाता है, और उस प्रोग्राम को फिर बहुत सारे लोग जो हैं, जो पता नहीं किस एजेंडे पे हैं इस मुल्क के अंदर, कि जिनको अल्लाह ताला ने हर एक को शऊर और दिमाग दिया है, लेकिन इमरान खान के हर फितने और हर झूठ के एक्सपोज होने के बाद भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुल रही, तो ये लम्हा फिक्रिया है मेरे मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के आम शहरियों के लिए, कि एक शख्स ना वो औरतों की इज्जतों का कोई उसको पास है, ना किसी की जान का उसको कोई ख्याल है, और फिर उसकी शर्म का उसका आलम यह है कि वो यूं बादशाह सलामत की तरह बैठता है जमान पार्क में। और कभी आपने, जैसे मैडम ने भी कल तकरीर में कहा था, क्या ये हमारी रिवायत है कि जिसके घर ताजियत आपने, जिसके घर कोई फौतगी है, टांग पे टांग रख के बैठता है और बुलाया जाता है जो है वो सल्तनत इमरानिया बादशाह सलामत के सामने, आइए आके ताजियत ले लें। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, लोग चले भी जाते हैं, लोग उससे ताजियत लेने चले भी जाते हैं, और वो जो वालिद साहब हैं ज़िले शाह के, उनका भी जो है वो स्टेटमेंट सामने आया, उनका एक वीडियो बयान भी मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनको खुदा याद आ गया, उनको मौत याद है, इमरान खान को और पीटीआई को मौत याद नहीं है, जो लोगों की लाशों का तमाशा बनाते हैं, जो कत्ल के ऊपर सौदेबाजी करते हैं, जो गिद्ध की तरह जो है वो लाशें ढूंढ रहे होते हैं। और फिर मुझे ये तमाम चीज़ें देखकर वो फैसल वाडा का वो भी याद आया, जो इनका बहुत ब्लू आई चाइल्ड था, इनका कोर कमेटी का मेंबर था, सारे फितना प्रोग्राम उसके सामने ही बनते थे, उसने बताया था कि इमरान खान का लाशें इकट्ठी करने का प्रोग्राम है, वो लाशें उसको जो है वो लॉन्ग मार्च में भी मिली, वो लॉन्ग मार्च में जो वाकई जिन लोगों की लाशें गिरी, जिनके नुकसान हुए, ये उन्हीं को तकलीफ है, ये ज़िले शाह की फैमिली को तकलीफ है, इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं है। यास्मीन राशिद तो वो जो लाश का सौदा करने बैठी थी और उसने जो है उसके ऊपर सियासत करने का पूरा एक ड्रामा रचाया, उनको क्या तकलीफ है। मौजम जो है जो वजीराबाद में, जिसको पुलिस जो इसकी इमरान खान के गार्ड की जो बड़े बोर की गोली जिसको लगी, उसको जो है वो उसकी फैमिली को पता है, लेकिन इस शख्स की सियासत के लिए आखिर इसके तख्त के नीचे कितनी लाशें बिछानी पड़ेंगी कि इसको ठंड और सुकून पड़ जाए।
और ये आदमी जो है इसके पास क्योंकि अब लोगों को कुछ कहने को बताने को नहीं है, अपना वो जो इसका लीडर और गीदड़ का फर्क है वो पूरी कौम देख रही है। जिस तरह चूहे की तरह राणा सनाउल्ला से छुप के ये जमान पार्क में बैठा हुआ है, वहाँ पर ये अभी भी इसका प्रोग्राम ये है कि लाशें गिरे, खून बहा जाए। और मैं अपने पाकिस्तानी कौम की मुझे तकलीफ होती है ये देख के, क्यों मरे कोई इमरान खान के लिए? इमरान खान के खुद के बच्चे तो बाहर बैठे हैं, वो खुद बाहर नहीं निकलता। और मैंने वो भी देखा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ क्लिप्स देखे जिसके अंदर इनके वर्कर्स जो हैं वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हम मारे खा रहे थे, हमारा लीडर कोई बाहर क्यों निकला? इमरान खान तो चले अभी उसका प्लास्टर नहीं उतरा, वो 5 महीने से प्लास्टर चढ़ा के बैठा है। हालांकि जो जख्म की नौयत है, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, जो जख्म की नौयत है उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ ही नहीं सकता, डॉक्टर भी कहते हैं नहीं चढ़ सकता। जो उनको जख्म उन्होंने दिखाए खुद, बाय द वे जख्मों की नुमाइश उन्होंने खुद की थी, उन्होंने एक वीडियो जो है वो जारी की थी, वो जख्म इस नौयत के है ही नहीं जिन पर प्लास्टर चढ़ाया जाए। चले जी चढ़ा लिया उन्होंने प्लास्टर, वो प्लास्टर उनका उतर नहीं रहा। बाकी जो है जो आपको बड़े तुर्रम खान लगते हैं, जो बड़ी बातें करते हैं, वो सारे लीडर जो है वो आम आदमी को जो है वर्कर को मार खाने के लिए बात छोड़ते हैं। वर्कर क्यों खा रहे हैं मार उस आदमी के लिए? उसने इस मुल्क के लिए क्या किया? बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इस मुल्क की सियासत को जो है वो जहर आलूद कर दिया, पाकिस्तान की इखलाकियात बच्चों की इखलाकियात को जहर आलूद कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को जहर आलूद कर दिया। आज हर बंदा रोटी से आवाजार है, हर बंदा जो है वो मौशी हालात का शिकार है, और वो फिर ढिटाई के साथ पूछता है इस हुकूमत से पूछता है कि माशी हालात का जवाब वो देगी, वो हुकूमत जो तुम्हारे किए हुए गंद को जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है। मैं दोबारा ज़िले शाह की फैमिली से, उनके ख़ानदान से भरपूर इजहार ताज़ियत करना चाहती हूँ। और मैं ये एक फूड ऑफ थॉट अपनी कौम के उन यंगस्टर्स के लिए जो इमरान खान की मोहब्बत में शायद इतने पागल और दीवाने हो गए हैं कि उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये शख्स उनका इस्तेमाल कर रहा है। वो ख़वातीन जिनके बारे में खुद, अब ये खातून लीडर है यास्मीन राशिद, और वो कह रही है ठीक है बैठी रहने दो, हम कौन सा किसी के जिम्मेदार हैं, रौनक मेला लगा रहना चाहिए बाहर। अब ये हैरत की बात यह है कि हर चीज़ के अंदर यास्मीन राशिद क्यों आ रही है? क्योंकि यास्मीन राशिद बहुत तेज़ी से जो है वो इमरान खान के रंग में रंगी गई हैं। वो आपको याद है ऑडियो जो है गुलाम महमूद डोगर का ऑडियो हो जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में साढ़े बंदे बैठे हुए हैं और वो CCPO को कह रही है फ़ौरन आ जाएँ, इमरान खान को जो है वो हमें फैसिलिटेट करना है, उसकी ऑडियो हो उसमें उनका जिक्र हो जाता है। उसके बाद नौशीन हामिद के साथ जो मैंने बताया कि ख़वातीन के हवाले से जो है वो एक गंदी प्लानिंग हो, यास्मीन राशिद का जिक्र निकल आज के आता है। और उसके बाद अब जब एक जो इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट को जो है वो अपनी गंदी और घिनौनी सियासत के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें यास्मीन राशिद का नाम आ रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुझे आज शर्म आ रही है कि यास्मीन राशिद एक औरत है। आज मुझे शर्म आ रही है ये देख के कि सुना था औरतें बहुत जो है वो दर्द दिल रखती हैं, औरतों के दिल बड़े कमज़ोर होते हैं, लाशें जो हैं वो औरतें जो है वो उसके ऊपर उनको तकलीफ़ होती है। पता नहीं किस तरह की औरत है, या शायद वो कसाई हो चुकी है इतनी बड़ी कि उसको जो है वो किसी भी तरह की ना अखलाकियात याद है, ना उनको अपना चिट्टा चाटा याद है, ना उनको जो है ये ख्याल है कि आप लाशों के ऊपर जो है वो अपने लीडर की इमारत खड़ी कर रही हैं। सो मैं समझती हूँ कि जो भी इस इंसिडेंट के पीछे जो लोग मुलव्वस हैं उसके ऊपर अच्छी बात है कि निगरान हुकूमत जो है उसने पूरा इस केस को प्रसू किया है, IG साहब और पुलिस डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, और जो भी लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको जो है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और आज आखिरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, जो ये तमाम जब ये बात पंजाब पुलिस की तरफ से आई कि ये एक रोड एक्सीडेंट था जिसमें ज़िले शाह मारा गया, तो बहुत सारे हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, बहुत सारे टाइगर सहाफ़ी भी हैं जो जिनको ये सवाल, उन्होंने कहा जी फिर बताएं ना अगर एक्सीडेंट है तो इमरान खान के ऊपर 302 का पर्चा कैसे बनता है? इमरान खान के ऊपर 302 का पर्चा बनता है क्योंकि उसने ये जो तमाम बाहर पूरा ड्रामा स्टेज कराया, जिस तरह से उसने इस लाश को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह से इस लाश के ऊपर जो है वो उसने वफाकी हुकूमत हो या पंजाब की हुकूमत हो उसको मुलव्वस करने की कोशिश की, ये इट्सेल्फ जो है वो कत्ल में जो है एयानत करने का जुर्म है। और इसके ऊपर इमरान खान को, यास्मीन राशिद को और जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको शामिल तफ्तीश होना चाहिए, और जो लवाहिकीन हैं उनको इसके ऊपर इंसाफ जो है वो फौरी तौर पर ज़रूर मिलना भी चाहिए और मिलता हुआ
नजर भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। और उसने काम आदमी का मुड़क हमने चाहते कि मुड़क रिफार्ड करें, लेकिन मैम आप फाइनल इंफॉर्मेशन एक आम आदमी को फार्ड तक पता है उसके भी क्या ना है हमारे। बाकी हमने बात की सियासी वर्कर की, ये बिहार मिलने का या इसका फैसला होगा कि रोड एक्सीडेंट है या इस वक्त पुलिस टॉर्चर रिपोर्टी आज की है वो क्या 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 कुछ होगा ये तो आने वाला। हमारे जिस तरह हमारे आइडियल सियासत नहीं है इस तरह एक सियासी वर्कर का मुस्तकबिल भी नहीं है। देखिए अब दो तीन मुख्तलिफ बातें आप लोगों ने की हैं, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े वक्त में उसकी बात कर सके। पहले तो जहां तक मौशी हालात की बात है तो प्यारे भाई ये 4 साल का अजाब है जो इमरान खान ने इस मुल्क पर डाला, और आपका क्या ख्याल है कि हम अवामी नुमाइंदे जो हैं हमें एहसास नहीं है कि अवाम की हालत क्या है? बिल्कुल एहसास है। प्रॉब्लम यह है कि IMF का मुआहदा मेरी हुकूमत ने नहीं किया हुआ, ये IMF का मुआहदा जो है इमरान खान ने किया। और मुझे छोड़ दें, शौकत तरीन के वो क्लिप्स निकाल के देख लें, जब वो IMF के साथ मुआहदा जो है वो करके आए थे तो उन्होंने बताया था कि पेट्रोलियम लेवी मुझे 50 रुपये पर लेके जानी है, उन्होंने बताया था कि बिजली का जो पर यूनिट है हमें 36 रुपये यूनिट पर लेके जाना है IMF के कहने के ऊपर। और आज भी इतना कुछ करने के बावजूद 170 अरब के टैक्स लगाने के बावजूद IMF जो है वो चूके IMF के माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। वो इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान की रियासत को फ़र्क पड़ा, और इस वक्त पाकिस्तान की रियासत के साथ वो माहदा करने के लिए जो है वो हिचकिचा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह किसी भी वक्त जो है वो माहदे की खबर आ जाएगी। लेकिन ये एक मुश्किल टाइम है, ये बहुत मुश्किल टाइम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और हमसे ज़्यादा इसका एहसास किसी को नहीं, क्योंकि हमने वोट लेने होते हैं, हमने आवाम को जवाब दे होना होता है, हर गली मोहल्ले में होते हैं, हर बंदे को जवाब दे होते हैं। लेकिन आम आदमी को ये पता है कि इन हालात के जिम्मेदार शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, इन हालात के जिम्मेदार इमरान खान है। और ये मुआहदा जून में ख़त्म होगा, ये इमरान खान का किया हुआ मुआहदा है। इसहाक डार साहब ने जो मुआहदा मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया था 2016 में, उसको बड़े एहसन तरीके से ख़त्म किया था। हमने IMF को खुदाफिज कह दिया था अपने दौरे हुकूमत के अंदर। अब ये जो स्यापा इमरान खान ने डाला है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक तहकीकात की बात है, देखिए तहकीकात हवा में बात नहीं हो रही। अगर IG साहब कह रहे हैं कि उनके पास कॉल रिकॉर्ड मौजूद है, अगर उसकी फॉरेंसिक हो जाती है जो यकीनन हो जाएगी, यास्मीन राशिद का उसके अंदर उसको ये बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट हुआ है, और यास्मीन राशिद कह रही है कि तुम जमान पारक आ जाओ, और उसके बाद एक नेरेटिव प्लान हो रहा है, तो इसमें मजीद तो किसी सबूत की ज़रूरत रह नहीं जाती। और यकीनन ये तमाम केस को, इस केस को जुडिशरी के पास ही जाना होता है, अदालतें ही हैं जिन्होंने इसके ऊपर सज़ा जो है वो अनाउंस करनी है, अदालत के अंदर ही इसका जो है वो ट्रायल होगा। सो इस हवाले से मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने बचा लिया फिर से पाकिस्तान को इमरान खान के एक और झूठ और फितने की जद में गिरने से। और पुलिस ने जो है वो मैं पुलिस की कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं पुलिस को यहाँ डिफेंड करूँगी, लेकिन अगर पुलिस के साथ एक पुलिस को ट्रैप में लाया जा रहा था और उन्होंने सबूतों के साथ अगर उसको पकड़ लिया है तो फिर हमें उसको उसी नज़र से देखना चाहिए। जी भाई आप औखा सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, ये मेरे बस में नहीं है जी। ये जिन जो स्टे ऑर्डर देते हैं, जो जिनका वो भी लाडला है, जिसको घर बैठ के जमानत मिल जाती है, जिसको जो है वो अदालतें पूछती हैं प्लीज़ बता दें इमरान खान साहब कब आएंगे, वो रात तक अदालत जो है इंतज़ार करती है। एक्चुअली जमानत इमरान खान को नहीं मिल रही होती, इमरान खान जो है वो अदालतों को जमानतें देता है और वो बैठकर जो है वो तय करता है इमरान खान किस दिन तशरीफ़ लाएंगे, वो तशरीफ़ लाए ना लाए फ़र्क नहीं पड़ता। और लेकिन यह है कि इमरान खान ने जो किया है उसको सियासी इंतकाम के पर्दे के पीछे नहीं छुपने देंगे। देखिए अगर राना सनाउल्ला के ऊपर जो है वो कोई केस होता, कोई जेन्युइन केस होता, तो फिर फेक हीरोइन डाल के उसके ऊपर जो है वो केस ना बनाया जाता। इमरान खान के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस एक फैक्ट है, मौजूद है,
अदालतें उसको जमानत पर जमानत दे रही हैं। ये वो लाडला है जिसको किसी इदारे के सामने तफ्तीश के लिए पेश भी नहीं होने दिया जा रहा। फॉरेन फंडिंग के लिए तहकीकात के लिए पूछते हैं, बुलाते हैं, वो नहीं जाता। उसको जो है ये साइफर की तहकीकात, इतना बड़ा तमाशा किया मुल्क के साथ और अब यू टर्न ले लिया बड़ी आसानी से बैठ के। वो हम पीछे छोड़ आए हैं, अमेरिका ने नहीं किया था। अभी पहले उसको यही समझ नहीं आता कि वो बाजवा ने किया था, अमेरिका ने किया था, डोनाल्ड लू ने किया था, जरदारी ने किया था या फिर अब मोहसिन नकवी ने किया था। सो वो बड़ी कन्वीनियंटली मुल्क के साथ खेलता है। जैसे मैंने आपके सवाल में भी कहा, मईशत के साथ भी उसने खेला, लेकिन उससे जो है वो जवाब चूंकि अदालतों के थ्रू लिए जाते हैं, अगर मेरे बस में होना जाती तौर पर जवाब लेना या राणा साहब के बस में हो तो हम जवाब ले चुके होते। प्यारे भाई, अगर ऐसा वर्कर कन्वेंशन आपने पहले किसी और जमात का देखा है तो बता दें, ये जलसा नहीं था, वर्कर कन्वेंशन था। और सड़कों तक लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपको नजर नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आपकी राय, मुझे आपकी राय का एहतराम है। जी मैंने पहले जो बात करते हुए जिस बात का जिक्र किया कि देखिए हुकूमत जो है वो जवाब मांग सकती है जो भी। अब देखिए तोशाखाना के ऊपर उन पर फर्द जुर्म आयद होनी है। पिछले 4 महीने से वो जजमेंट पर जजमेंट ले रहे हैं और वो अदालत में पेश होना मुनासिब नहीं समझते। और अगर पेश हो ही जाए गलती से तो वो गुंडों के साथ, मुसल्ला अफराद के साथ जो है वो जाते हैं पेशी के लिए, लेकिन उसके ऊपर भी अदालतों को फ़र्क नहीं पड़ता। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के शीशे टूटे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, जज साहब को फ़र्क नहीं पड़ा। जो पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ी, जो गाड़ियों को तोड़ा गया, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर तो ये ताकत दिखाने का अगर पाकिस्तान में फैसला हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब फैसले ताकत दिखा के होंगे, तो फिर ये रेस्ट शोर करें कि हमारे लीडरों के ऊपर भी जब भी हमसे गलतियां हुई, मैं समझती हूँ, मैंने तो कई दफ़ा कहा है कि हमसे गलती हुई, हमें भी लेके जाना चाहिए था 5-10 हज़ार बंदा कि हमारे लिए क्या मुश्किल था, हम भी जाके अदालतों पर दावा बोलते, हमें भी ऐसे इंसाफ मिल जाता। लेकिन ये हैविंग सेड दैट, ये एक लम्हा फिक्रिया होना चाहिए पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम के लिए कि एक शख्स पाकिस्तान के हर निज़ाम से मावरा क्यों है, उसको क्यों किसी सवाल का जवाब देने के लिए जवाबदेह नहीं किया जाता और उसकी मावनत करने के लिए, उसकी सहूलत करने के लिए कुछ ना कुछ लोग हर इदारे से निकल आते हैं। मुझे मालूम मालूम ठीक थे, देखिए आप चूंकि बुजुर्ग हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपके हकायक दुरुस्त नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं तसी मैं चाहती हूँ। मुझसे आप सवाल पूछिए 2017 तक का, जब 2013 से 2017 तक हमारी हुकूमत थी, आटे की कीमत 35 रुपए नहीं थी क्या? चीनी की कीमत 50 से 55 रुपए के बीच में नहीं थी क्या? जो घी है वो 140 रुपए किलो नहीं मिल रहा था? ये इमरान खान ने जो मेहरबानी की ना और बीज बोया, ये इस बीज का जवाब इमरान खान से लेना है आपने टिल अगस्त 2023 तक। 2023 में अगस्त में जब इस जो हुकूमत है, इस असम्बली की जो है वो मुद्दत पूरी हो जाएगी, नए इलेक्शंस होंगे, अब पाकिस्तान की कौम को फैसला करना है अगले 5 साल के लिए। और मैं यही बता दूं, अगर ये जो आरटीएस बिठा के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया, अगर वो ना हुआ होता तो प्यारे भाई 6% के ऊपर GDP मेरी दौरे हुकूमत में, मेरी पार्टी की दौरे हुकूमत में था। उसका सवाल कीजिए मुझसे, मुझसे ये सवाल कीजिए कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो फैसलाबाद की चैम्बर्स के अंदर आकर क्या जो बिजली के ऊपर रिलीफ, क्या गैस, जब हम आए थे 2013 में गैस नहीं थी, बिजली नहीं थी,
ये मेरी लीडरशिप है जिसने गैस के टर्मिनल लगाए, जिसने 22-22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की, जिसने पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को, सिर्फ अगर ये कहूँ क्योंकि आपका ताल्लुक ज़्यादा टेक्सटाइल से है, टेक्सटाइल के हवाले से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया गया था जिससे के बाद टेक्सटाइल ने तरक्की की, टेक्सटाइल बूम पर जा रहा था। लेकिन जो चार साल का जो एक जुमला सिर्फ जो चार साल की उसने जो गफलत की, और मैं नहीं कहती, शौकत तरीन ने कहा, शौकत तरीन को आखिरी वजीर खजाना था, शौकत तरीन ने कहा मेरे आने से पहले इमरान खान की कोई मौशी पॉलिसी नहीं थी, और जब मौशी पॉलिसी नहीं थी तो उसके जो नतायज हैं वो बहुत अरसा तक भुगतने पड़ते हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत तकलीफ़ है, मैंने जैसे आपसे कहा आपको तकलीफ़ है, आप यकीनन आप सहाफ़ी हैं आप उसको, लेकिन मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने अवाम को, मैंने उनको सहूलत देने का वादा किया है। लेकिन कुछ चीज़ें चूँकि हमारे हाथ में अभी नहीं हैं, लेकिन अगर अगस्त 2023 के बाद जनरल इलेक्शन के अंदर अवाम अपने जो है उसका फैसला अगर इस दफ़ा ठीक कर दिया और इस फितने को वोट की ताकत से उठा के बाहर फेंक दिया, तो इंशाल्लाह 2013 में भी हालात बहुत बुरे थे, हमने ठीक किए थे, इंशाल्लाह अब भी करेंगे। देखिए भाई, वो तो चाहता है ना लाशें, जैसे मैंने आपसे कहा उसका तो एजेंडा है कि कोई लड़ाई हो, कोई फसाद हो, मुझे लाशें मिले और मैं वो लाशें बेचूं। और जो मैंने जैसे पहले कहा, हम वो नहीं चाहते, हम रियासत हैं, और रियासत के अंदर जो रियासत की रिट के बरकरार रखने के साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल को भी मैनेज करना हमारी जिम्मेदारी है। अब उसने गुंडे अगर जमान पार्क में पाले हुए हैं, औरतों और बच्चों की एक शील्ड बना के वो गीदड़ बैठा हुआ है, तो एक सियासी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि औरतों और बच्चों को जो है वो टारगेट किया जाए। लेकिन अभी जैसे अदालतों ने एक उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो निकले थे, अगर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं और अदालत कहती है, जब उनको 13 को पेश होना है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अब फैसले के बाद, अगर वो पेश हो गए वेल एंड गुड, अगर नहीं पेश हुए तो फिर राणा सनाउला का डंडा चलेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। किसी दिन आपको खबर मिल जाएगी कि मियां साहब आ रहे हैं। हमारी सियासत का बहुत बयान, मैं हमारी सियासत का सबसे बड़ा बयानिया तो हमारी कारकर्दगी है भाई। अगर मैं शुरू करूं मियां नवाज शरीफ साहब के तमाम टेन्योर्स को, जो एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान के हालात थे उसी तरह के हालात से इस वक्त पाकिस्तान दरपेश, उसको दरपाइश हालात, हमने उस वक्त पाकिस्तान को हालात से निकाला। मेरी पार्टी की, मेरी लीडरशिप की जो कारकर्दगी है वो मेरा बयानिया है, प्लस जो इस मुल्क के अंदर रियासत के जो तमाम इदारे हैं उनको अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम करना मेरा बयानिया है। और ये सिर्फ मेरा बयानिया नहीं है, ये मेरा आईन पाकिस्तान कहता है, मेरा आईन कहता है हर इदारे की एक डोमेन है, उसको उस डोमेन में रहना चाहिए, और हम अपनी कारकर्दगी और जो आईन कहता है उसके साथ जो है वो हमारा बयानिया अटैच है। और इसके ऊपर हमेशा PMLN के ऊपर इसी बयानिए पर लोगों ने हमेशा ट्रस्ट भी किया है, 2/3 मेजॉरिटी भी दी है, और हमेशा 30 साल नून लीग की हुकूमत भी बनी है, इसी बयानिए के साथ दोबारा जाएंगे। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब, अब हफ्तों की भी नहीं दिनों की बात है, और जैसे मैंने कहा कि किसी भी दिन मियां साहब के आने का अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है। देखिए वो अनाउंसमेंट आपको किस दिन मिलता है, हमारी इलेक्शन कैंपेन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने आके करनी है। और मेरा बयानिया जो आपने पूछा था, मेरा बयानिया मेरा लीडर है मियां नवाज शरीफ है, जिस दिन वो आकर आवाम के बीच में खड़ा होगा आप देखिए। हम नहीं सोच रहे, इमरान खान के करतूत जो है वो ये कहते हैं कि उसको गिरफ्तार किया जाए। आपको अभी तक ये नहीं पता चला? अच्छा जी, एक तो वो बहुत बड़े हाँ जाली डिग्रियों के स्कैम में मुलव्वस है, दूसरा उन्होंने जिस केस में अपने लिए फेवर लिया
उसके सेशन जज साहब जो है गवाही दे चुके हैं कि उन्होंने मुझे रिश्वत दी थी। तो अगर ये आपको जुर्म नहीं लगता तो भाई मैं बस